नमस्कार, मैं आ गई हूँ लाइव आप लोगों के सामने। और मैं बहुत आभारी हूँ जन सरोकार मंच का, जिन्होंने मुझे इस श्रृंखला से जोड़ा है, जिसका नाम है कविता पाठ एवं संवाद। और मैं अशेष आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया यहाँ अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए। अभी इस टाइम में इस तरह की जो सकारात्मक क्रियाकलाप है, वो बहुत सकारात्मक जो ऊर्जा है वो प्रदान करती है, क्योंकि हम सब घर में बहुत दिनों से बंद हैं, कम निकलते हैं, और स्थिति तो आप सबको पता ही है। और ऊपर से हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे चिड़िया को बंद कर दिया गया हो, उसी वही मतलब फीलिंग आती है। खैर, ये भी समय बीत जाएगा और हम जीत जाएंगे। मैं अपनी कुछ रचनाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आशा है अच्छी लगेंगी। पहली जो मेरी कविता है वो है रास्ता हूँ मैं, रास्ता शीर्षक है इसका। यहाँ पे मेरे घर के नीचे जो सड़क है, वहाँ पे बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं पूरे दिन, तो उसी को देखकर ये इंस्पिरेशन मिला और मैंने लिखी है। मैं आपको सुनाती हूँ। रास्ता हूँ मैं, सब देखता हूँ मैं, सब देखता हूँ मैं। मेरा कहीं घरबार नहीं, ना कोई ठिकाना कहीं। छोड़ता हूँ मंजिल तक सबको, अपना तो बस काम यही। हर तरफ मैं हूँ खड़ा, सब देखता हूँ मैं। सुख दुख में सबके शामिल हूँ मैं, बारिश में, धूप में, रंग में, रूप में, दिन में, रात में, तन्हाई में, साथ में, जिंदगी और मौत में, प्यार हो, लड़ाई हो, मैं सबका गवाह हूँ। सहारा देता हूँ सबको, फिर भी बेपनाह हूँ। रास्ता हूँ मैं, सब देखता हूँ मैं, सब देखता हूँ मैं। मेरे पहलू में होती हैं बच्चों की अटखेलियाँ, मुझसे ही होकर गुजरती हैं नवविवाहितों की डोलियाँ। मैं ही तो ले जाता हूँ शवों को श्मशान तक, मेरे बिना किसी का वजूद नहीं, जो मैं नहीं तो राही नहीं, मंजिल नहीं। रास्ता हूँ मैं, सब देखता हूँ मैं, सब देखता हूँ मैं। यूं अचरज से ना देख मुझे, मत हंस मुझ पर, बेजान नहीं मैं। अगर होती न जान तो कैसे कर पाता निर्वहन सबका आदि से अंत तक। रास्ता हूँ मैं, सब देखता हूँ मैं, सब देखता हूँ मैं। आवाज़ चेक नहीं की थी मैंने, आ रही होगी शायद आप लोगों को। मेरी दूसरी रचना है हर श्रृंगार प्रेम। ये कविता कभी पार्क जाते थे सुबह, और सर्दियों में खासकर यहाँ घर के पास संजय वन है, उसमें जाते थे दोनों सुबह, वाइफ हस्बैंड घूमने, और बिछी होती थी दूर तक ये फूल शेफालिका। तो ये
कविता वहीं से आई है और मैं सुना रही हूँ। अनवरत झड़ना यूं ही दामन में मेरे, अनवरत झड़ना यूं ही दामन में मेरे, झटकूंगी नहीं कभी, यहाँ वहाँ जो बिखरे मिलोगे तो समेट लूँगी अपने दोनों हाथों से। तूने ही तो अपने आलिंगन से सुगंधित किया है मेरे हृदय तल को, कैसे मुंह फेर लूँ उस कोमल एहसास से जो अपने हाथों में लेकर तुझे लगाया था गालों से। कैसे करूं तुम बिन जीवन की कल्पना, यूं ही संजोए रखना मनमोहक सुगंध को, रंग श्वेत केसरिया निश्चल, मैं फिर मिलने आऊंगी कल। आजकल जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आशा है, उम्मीद है, फिर जाऊंगी। अब जो मैं कविता पाठ करने वाली हूँ, ये प्रकाशित हो चुकी हैं पिछले साल मार्च में, जो विभूम स्वर है शिवना प्रकाशन से ये मैगज़ीन निकलती है, त्रैमासिक मैगज़ीन, इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय मैगज़ीन, उसमें मार्च अंक में वक्त का हिसाब दो। बहुत सारी महिलाएं ऐसा जीवन जीती होंगी, ये सब देखती होंगी, बर्दाश्त करती होंगी, और मैंने भी देखे हैं बहुत सी औरतों को इस तरह का बर्ताव झेलते हुए घरों में। तो वहीं से आई है, वे कहते हैं मुझसे डरो, वे कहते हैं मुझसे डरो, मैं जो कहूँ वो ही करो। वे कहते हैं मुझसे डरो, मैं जो कहूँ वो ही करो, प्रश्न मत पूछो कभी, हर बात को स्वीकार लो। मेरे बिना जी पाओगी, बस ठोकरें ही खाओगी। तुम जन्म से नापाक हो, सबके लिए अभिशाप हो। अदब से यूं चला करो, हिसाब से झुका करो। नारी हो तुम, हया रखो, सबके लिए दया रखो। दुनिया बड़ी खराब है, नजरें नीची रखा करो। पुरुषों से क्या मुकाबला, औकात में रहा करो। कहाँ थी इतनी देर तक, वक्त का हिसाब दो। मैं काम से लौटूं तो तुम घर में मुझे दिखा करो। बहस नहीं किया करो, बात को समझा करो। ताले रखो जुबान पर, तहजीब से रहा करो। कुछ और तो करती नहीं, इतना तो तुम किया करो। सबके लिए जीती रहो, सबके लिए मरती रहो। करती रहो, करती रहो, सहती रहो, करती रहो। अच्छी नहीं लगती है इस तरह की बातें देखते हुए, सुनते हुए, लेकिन ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जो इसको रोज, हर वक्त, हर क्षण झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को पल पल कुचल कर जिंदगियां जी रहे हैं। और लड़कियों को, नारियों को तो अक्सर यही शिक्षा दी जाती है सबके तरफ से, समाज के तरफ से, लोगों के तरफ से, कि चाहे कुछ भी हो जाए आप रिश्ते बचा के रखिए, और कभी भी
किसी भी चीज़ के लिए विरोध मत करना, उससे नकारात्मक वातावरण हो जाता है घर का, तो चुपचाप अपना करते रहना। ये सही नहीं है वैसे, लेकिन खैर बदल रही हैं वैसे चीज़ें, बहुत बहुत बदलाव आया है और आ जाएगा। एक और रचना है मेरी, कब सुनोगी। ये भी नारी पर केंद्रित है और ये मुझे लगता है कि मुझे, मतलब मेरे अंदर जो भावनाएं आती हैं ऐसी महिलाओं को देखकर, तो मुझे लगता है कि इस कविता से थोड़ा बहुत मैं उनको संदेशा दे पाऊँगी और वो कुछ सुधार कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में, तो अच्छा रहेगा, मुझे खुशी होगी। मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सब जितने पुरुष हैं उनसे, मैं मतलब उनके कुछ उनके खिलाफ़ नहीं है ये चीज़ें, तो इसको आप उस हिसाब से ना देखें। कब सुनोगी, ये कविता है। दूसरों के चीथड़े सिलती रहोगी, दूसरों के चीथड़े सिलती रहोगी, पैरहन खुद के लिए फिर कब बुनोगी। बोलो ना अपने लिए तुम कब जियोगी, तेरे मन की बोल दो तुम कब सुनोगी। दूसरों के चीथड़े सिलती रहोगी, पैरहन खुद के लिए फिर कब बुनोगी। बोलो ना अपने लिए तुम कब जियोगी, तेरे मन की बोल दो तुम कब सुनोगी। गर मन मचल जाए कभी जो उड़ने को आकाश में, गर मन मचल जाए कभी जो उड़ने को आकाश में, तुम बेड़ियों को तोड़कर हर फिक्र से मुंह मोड़ कर स्वतंत्र एक उड़ान भर, अमृत जगत को बांट कर सबके लिए, अमृत जगत को बांट कर अपने लिए विष छांट कर, आंसुओं को चोरी से कब तक पियोगी, अपने दिल की बोल दो फिर कब करोगी। बोलो ना अपने लिए तुम कब जियोगी। इस भरम में मत रहो कि और भी है जिंदगी, इस भरम में मत रहो कि और भी है जिंदगी, ये मिल गया नसीब है इसी को तुम सवार लो। गैरों के ही जख्मों को भरती रहोगी, मलहम अपने घावों पर फिर कब मलोगी। बोलो ना अपने लिए फिर कब जियोगी। कष्ट को अंदर दबाकर पूछने पर कहती हो मैं ठीक हूँ, कष्ट को अंदर दबाकर पूछने पर कहती हो मैं ठीक हूँ। कर्तव्य के जंजाल में धंसती रहोगी, फैसले खुद के लिए फिर कब करोगी। बोलो ना अपने लिए तुम कब जियोगी, तेरे मन की बोल दो तुम कब सुनोगी। धन्यवाद आप सब जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे सुनेंगे, शुक्रिया। आप लोग जुड़े हुए हैं मुझसे और जुड़े रहिए। ये कविता है जो मैं समर्पित करना चाहती हूँ अपने देश के सैनिक, जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, हर तरह से जो हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं, और अभी बॉर्डर पे क्या हालात हैं हम सब जानते हैं। और वैसे में
अभी अभी जो घटनाएं हुई, जो बिहार रेजिमेंट के जो इतने सारे जवान शहीद हो गए हैं चाइना बॉर्डर पे, चाइना इंडिया बॉर्डर पे, ऐसे तो कई घटनाएं होती रहती हैं और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। और बहुत ही कम उम्र के जवान जो शहीद हो जाते हैं और लौट के नहीं आते, और उनके कम उम्र के हो या ज़्यादा उम्र के हो, ये मायने नहीं रखता उतना, लेकिन मायने तो ये रखता है कि जब कोई जाता है और उसके पीछे उसके उसकी फैमिली, उसके देशवासी उसका इंतज़ार करते रहते हैं और वो लौट के नहीं आता, और कई बार पता भी नहीं चलता है, लाशें नहीं मिलती है, और ये तो और दर्दनाक होता है, बहुत ही बहुत दर्दनाक होता है। मैं सलाम करती हूँ अपने उन जाबाजों को और मैं उनको ये कविता समर्पित करना चाहती हूँ। बिना कहे तुम चले गए, ये शीर्षक है मेरी कविता का। पहले ऐसी नहीं थी मैं, पहले ऐसी नहीं थी मैं, अब क्यों हूँ चिड़चिड़ी सी मैं। तुम जो मिले थे पहली बार, क्या तुमको ऐसी मिली थी मैं? तेरे होने से ही तो रहती थी कुछ खिली सी मैं, तेरे प्यार में जिंदा थी, अब तो हूँ अधमरी सी मैं। तेरे होने से ही तो रहती थी कुछ खिली सी मैं, तेरे प्यार में जिंदा थी, अब तो हूँ अधमरी सी मैं। बिना कहे तुम चले गए, बिना कहे तुम चले गए, गम में हूँ सिरफिरी सी मैं, दर दर तुझको ढूंढ रही, बेकल कोई टिठहरी सी मैं। बिना कहे तुम चले गए, गम में हूँ सिरफिरी सी मैं, दर दर तुझको ढूंढ रही, बेकल कोई टिठहरी सी मैं। छोड़ के जो तुम मुझे गए, पतझड़ जैसी झड़ी सी मैं, छोड़ के जो तुम मुझे गए, पतझड़ जैसी झड़ी सी मैं, नैनों में तुझको भर लूँ तो हो जाऊंगी हरी सी मैं। आओगे तुम कभी लौट कर, आओगे तुम कभी लौट कर, बाट जोहती खड़ी सी मैं, फिर मिल जाओ तुम एक बार और फिर बन जाऊं पड़ी सी मैं। आओगे तुम कभी लौट कर, बाट जोहती खड़ी सी मैं, फिर मिल जाओ तुम एक बार और फिर बन जाऊं पड़ी सी मैं। एक और है जो मैं उन्हीं लोगों को समर्पित करती हूँ, ये कविता है। जाने क्यों खुशबू कम है, आज सुबह तुम घर से निकले, आँख मेरी थोड़ी नम थी। आज सुबह तुम घर से निकले, आँख मेरी थोड़ी नम थी, ऊपर से खुश दिखा रही थी, अंदर से बेहद कम थी। तुमने बोला क्यों रोती हो, जाना भी मुश्किल करती हो। तुमने बोला क्यों रोती हो, जाना भी मुश्किल करती हो, आ जाऊंगा अभी लौट कर, कुछ दिन की है बात बची। मैं खुद को खुश दिखा रही थी, अंदर से बेहद कम थी। अभी अभी तो किए थे वादे, जल्द लौट कर आओगे। अभी अभी तो किए थे वादे, जल्द लौट कर आओगे। लाल गुलाबी हरी चूड़ियाँ हाथों में पहनाओगे। अभी अभी तो किए थे वादे, जल्द लौट कर आओगे। लाल गुलाबी हरी चूड़ियाँ हाथों में पहनाओगे।
फिर क्षण भर में मेरे प्रियतम, कैसा ये तूफान उठा, आशाओं को तितर बितर कर सारे सपने उड़ा गया। फिर क्षण भर में मेरे प्रियतम, कैसा ये तूफान उठा, आशाओं को तितर बितर कर सारे सपने उड़ा गया। अलमारी तेरे कपड़ों की व्याकुलता से उधर रही, अलमारी तेरे कपड़ों की व्याकुलता से उधर रही, तेरे आलिंगन के भ्रम में बेसुध बेकल खड़ी रही। तेरे जाने से जीवन में अब तो बस गम ही गम है, तेरे जाने से जीवन में अब तो बस गम ही गम है। मन कहता तुम यहीं कहीं हो, मन कहता तुम यहीं कहीं हो, जाने क्यों खुशबू कम है। मन भारी हो जाता है इस तरह की चीज़ों को याद करके, और जो इसको जीते हैं, जो इसको भुगतते हैं, उन पे क्या बीतती होगी हम कल्पना नहीं कर सकते उसकी। उन सबको, उन माँओं को, उन पत्नियों को, उन तैयार हैं, हम उनको नमन करते हैं बहुत हृदय से, और उनके लिए हम समर्पित हैं अपने। एक रचना है, धुआं हो गया, ये रचना भी मैंने यहाँ, ये जो मेरे घर के नीचे जो सड़क है वो जाती है श्मशान घाट की तरफ, तो वो अक्सर देखने को मिलता है, जाते हैं लेकर इधर से, तो कुछ आया मन में और मैंने लिखा, वो मैं आप सबको सुनाती हूँ। कि धुआं हो गया, किसी भी सफर पे न तन्हा गया, तो फिर आज जाने ये क्या हो गया। किसी भी सफर पे न तन्हा गया, तो फिर आज जाने ये क्या हो गया। अभी तो था महफिल में हंसता हुआ, मैं क्षण भर में कैसे धुआं हो गया। सोचा था मर के भी हम साथ हों, सोचा था मर के भी हम साथ हों, पहले मिलन की वो शुरुआत हो, मगर किस नगर अब मुलाकात हो, कि चोरी से नुक्कड़ पे फिर बात हो। तू मिलने से पहले जुदा हो गया, मैं क्षण भर में कैसे धुआं हो गया। किसी भी सफर पे न तन्हा गया, तो फिर आज जाने ये क्या हो गया। छूटी डगर ना प्याला ना साकी, मेरे रह गए हैं कई काम बाकी। तुझे प्यार करना, तेरे साथ रहना, वो ख्वाबों का बगीचा हवा हो गया, मैं क्षण भर में कैसे धुआं हो गया। किसी भी सफर पे न तन्हा गया, तो फिर आज जाने ये क्या हो गया। चला जा रहा हूँ मैं उड़ता हुआ, चला जा रहा हूँ मैं उड़ता हुआ, कि खुद में ही खुद से यूँ जुड़ता हुआ। चला जा रहा हूँ मैं उड़ता हुआ, कि खुद से ही खुद में यूँ जुड़ता हुआ, अपनों से पल पल बिछुड़ता हुआ, गज दो वसन में सिकुड़ता हुआ। क्यों अभिनय से अपने फना हो गया, मैं पल भर में कैसे धुआं हो गया।
किसी भी सफ़र पे न तन्हा गया, तो फिर आज जाने ये क्या हो गया। एक मैं, ये शायद लास्ट है, और थोड़ा गमगीन हो गया है माहौल। कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ जो मैंने लोगों को, एक बहुत तरह के लोग मिलते हैं जीवन में, जो मतलब सबका व्यवहार अपना अलग अलग होता है, जीने का रंग ढंग अलग है, हमारा भी है, आपका है, सबका अलग होता है अपना। लेकिन कुछ लोग जो है वो एक व्यवहार का एक जो वो क्या कहेंगे, वो एक ओढ़े रहते हैं, जो तहजीब का जो एक वो होता है ना, मतलब एक रंग ढंग वो ओढ़ के बैठे रहते हैं। तो उस पे थोड़ा सा ये व्यंग टाइप का है, व्यंग ही है एक्चुअली, तो उस पे मैंने लिखा है कि लोग प्रेशर डालते हैं अपने बच्चों पर, अपने अपने रिश्तेदारों पर, कि ऐसे मत बिहेव करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत हंसो, दूसरों के सामने कैसे बिहेव करना है, घर में कैसे रहना है, इतना सारा, इतने प्रॉब्लम्स में मतलब कैसे लोग सरवाइव करते हैं। हम तो मतलब सांस नहीं ले पाएंगे, हम जैसा हम लोग घर में हैं वैसे ही बाहर हैं। थोड़ा सा हाँ फ़र्क पड़ता है कि आप मतलब थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, कि एकदम से तो इतना नहीं, लेकिन फिर भी मतलब 24 घंटे आप एक ओढ़ के नहीं वो व्यवहार को रह सकते कि अब ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है। वो तो उस पे है, ये तहजीब की टोकरी, ये शीर्षक है मेरी कविता का। सलीकों की खचिया को सर पे उठाए, सलीकों की खचिया को सर पे उठाए, धीरे से अब तुम बहुत मुस्कुराए। सलीकों की खचिया को सिर पे उठाए, धीरे से अब तुम बहुत मुस्कुराए। दर्दों को भीतर न रखो दबाकर, दर्दों को भीतर न रखो दबाकर, गमे दिल की अपनी बता कर तो देखो, ठहाके हंसी के लगा कर तो देखो। गमे दिल की अपनी बता कर तो देखो, ठहाके हंसी के लगा कर तो देखो। कायदे की चादर को रख कर किनारे, कायदे की चादर को रख कर किनारे, अदब की ये पुड़िया हटा कर तो देखो। इस सादेपन में कितना सुकून है, इस सादेपन में कितना सुकून है, लहजे देहाती आजमा कर तो देखो, ठहाके हंसी के लगा कर तो देखो। तुम स्विमिंग पूल में हो गोते लगाए, तुम स्विमिंग पूल में हो गोते लगाए, अरे कमला नदी में नहाकर तो देखो। स्ट्रॉ लगाकर तो सब रस हैं पीते, तुम दांतों से गन्ने चबाकर तो देखो, ठहाके हंसी के लगाकर तो देखो। अमेजन से अमरुद बहुत है मंगाए, अमेजन से अमरुद बहुत है मंगाए, आदत को सॉरी अमेजन से अमरुद बहुत है मंगाए, बागों से अमियां चुरा कर तो देखो, ठहाके हंसी के लगा कर तो देखो। आदत को अपने है कितना छुपाया, आदत को अपने है कितना छुपाया, तमद्दुन के तानों में खुद को फंसाया। इस झूठे जीवन से बाहर निकलकर सच्ची उस दुनिया में जाकर तो देखो। मजे खांटीपन के उठा कर तो देखो, ठहाके हंसी के लगा कर तो देखो।
धन्यवाद आप सभी का। और टाइम हो गया है शायद, तो क्या कहते हैं, हो सकता है एक दो मैथिली है ना एक दो। मैं मैथिली कविता एक सुनाऊं अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। मैथिली में भी लिखती हूँ, और मैथिली हमारी लैंग्वेज जो मदर टंग है वो है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मैं मैथिली में सुनाऊंगी। और ये चैलेंज भी है उन लोगों के लिए जो मैथिली भाषा नहीं समझते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कितना समझते हैं, और मैं सुनाऊंगी और फिर पूछूंगी कितना समझे। अच्छा लगता है फोक लैंग्वेज, जितना भी आप सुने सीखें, बहुत मज़ेदार भाषाएं हैं। मुझे तो बहुत लुभाती हैं ये, मराठी हो या हो राजस्थानी हो या वो बंगाली हो, असमीज हो, कहीं की भी भाषा जो वहाँ की मदर टंग होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, और सीखने की मेरी चाहत है। मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छी लगती होंगी। तो मेरी भाषा जो है वो मैथिली है, और अगर आप कहें तो मैं सुनाऊँ। ओके okay? वर्ड धन्यवाद। मैंने एक कविता लिखी है फेसबुक पे, मेरे फेसबुक के ऊपर, जो फेसबुक जैसे आजकल, मतलब अब तो और भी ज़्यादा हो गया है कि हम 24 घंटे में शायद 22 घंटे लाइव रहते हैं फेसबुक पे सब लोग। वैसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, सब छुपाते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं रहते, हिंदी में मतलब भी बताते रहेंगे। लेकिन रहते हैं लोग। तो उस पे मैंने एक लिखी है कि फेसबुकिया जिंदगी, ये शीर्षक है कविता का। जीवक ई जंजाल भेल अछि, जीवक ई जंजाल भेल अछि, मुख पोथी तक काल भेल अछि। जीवक ई जंजाल भेल अछि, मुख पोथी तक काल भेल अछि, एकरा लऽ कऽ जनमानस में गौ ब्राह्मणी हाल भेल अछि। रहि रहि कऽ कुहकैत रहैत अछि कोयल, जो जैसे कू कू करती है वैसे ये रह रह के जो है हमारा फोन, वो हर मिनट कुछ न कुछ बजता है। रहि रहि कऽ कुहकैत रहैत अछि, बौरी बौरी नून दैत अछि। कड़ी बड़ी जो खाते हैं ना, जो कड़ी में जो पकौड़ियाँ डालते हैं उसको हम बौरी बोलते हैं, तो उसमें एक एक बौरी में अलग अलग नमक डालते हैं, मतलब ये एक कहावत है, व्यंग्य है। बौरी बौरी नून दैत अछि, मतलब नमक डालती है बौरी बौरी। एखन धरि नहि ई बुझि सकलहुँ एकरा पाछू पहर गँवेलहुँ, अभी तक मैं हम समझ नहीं पाए और इसके पीछे जो है पहर गँवा रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। आँगुर सँ एकरा चलबै छी आकि ई हमरा नचबैत अछि, लाइक कमेंट पर ध्यान लगौने सदिखन चित्त चौंकल रहैत अछि। धियापुता के सोर पारू तऽ कोनो बात नहि कान धरैत अछि, कोना दोख दी ओकरे सबके, सबहक तऽ एकै दुर्गति अछि। बूढ़ो सब गोमुखी तेज कऽ एकरे जब तक ध्यान धरै छथि, एकरा फेरी मे पड़ल सब बनल निखट्टू भांग गोटैत अछि। तेहन एकर नशा मातैत अछि, भनसाघर में प्रलय मचैत अछि। भनसाघर मतलब रसोई में, जब हम फोन में लग जाते हैं तो भूल जाते हैं कि किचन में क्या चढ़ा हुआ है चूल्हे पे। तेहन एकर नशा मातैत अछि, भनसाघर में प्रलय मचैत अछि। चूल्हा पर किछु चढ़ा बिसरलहुँ, कोयला भऽ कऽ ओ उतरैत अछि। आइ काल्हि तऽ ठाँवो पीढ़ी
सोशल मीडिया पर पड़ैत अछि। इसका मीनिंग अभी मैं नहीं बताऊंगी, देखती हूँ कौन कौन बता पाते हैं ठाउ पीढ़ी का मतलब। आइ काल्हि तऽ ठाउओ पीढ़ी सोशल मीडिया पर पड़ैत अछि, भोजन मुँह में जाएसँ पहिने फोटो खींच कऽ भोग लगैत अछि, एक दोसर के कहैत रहै छी किएक फोन पर आँखि फोड़ै छी। एहिसँ क्षति पहुँचैत अछि, तैयो एकर लुकुम तऽ गड़गट भेल अछि। गड़गट मतलब गले में अटका हुआ है, न छूटते बनता है, न इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन छूटते तो बनता नहीं है। एहिसँ क्षति पहुँचैत अछि, तैयो एकर लुकुम तऽ गड़गट भेल अछि, सभक मुँहें अपन प्रशंसा सुनैमे बड़ नीक लगैत अछि, जहने कोनो लाइक नहि भेटल तऽ दोस्त यारमे मारि बजैत अछि, चाट एकर छोड़बऽ चाहै छी, किछु दिन दूर रहऽ चाहै छी। इंटरनेट के आबिते मातर एहि विचार के कात धरै छी, बड़ देरी कैल अहाँ लोकन के, चलू फेसबुक आप खुलै छी, अपन ई कविता सुनबै छी, लाइक कमेंटक बाट तकै छी। जो नहीं समझे हैं वो पूछ सकते हैं, मैं मीनिंग बता दो थोड़ा बहुत लास्ट करियो। कुछ समझे हैं, चलिए मैं बताती हूँ कि आइ काल्हि तो ठाउँ पीढ़ी सोशल मीडिया पर पड़ैत अछि। ठाउँ पीढ़ी बोलते हैं मतलब खाने से पहले जो जहाँ पे हम खाएंगे उस जगह को साफ़ सुथरा करना, वहाँ पे अब बैठने के लिए कुछ डालना और पानी डालना, तो ये सारा काम पहले होता था। अभी तो ये सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे होती हैं। हम खाना खाने से पहले, मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ, खाना बना कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल, तो उसका फ़ोटो खींच के, पर अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मन नहीं, मतलब नहीं डालती हूँ मैं अभी, कभी कभी डाला हुआ है मैंने भी आप सबने किया होगा। तो ये है कि आइ काल्हि तक ठाउँ पीढ़ी सोशल मीडिया पर पड़ैत अछि, मुँह में भोजन जाएसँ पहिने फोटो खींच कऽ भोग लगैत अछि। भोग लगाते हैं भगवान की प्रार्थना करके, फिर हम खाना स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं भोग लगाना। एक दूसर के कहत रहे छी, एक दूसरे को हम बोलते रहते हैं कि इससे क्षति पहुंचती है, आप क्यों इतना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी इसकी जो आदत है वो तो मतलब गरगट है, मतलब गले में अटकी हुई है, वो ना वो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, वैसे है। तो ऐसा क्षति पहुँचैत अछि, तैयो एकर लुकुम तऽ गरगट भेल अछि, सभक मुँहें अपन प्रशंसा, सबके मुँह से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है, जहने कोनो लाइक नहीं भेटल, जब कोई लाइक नहीं मिलता है, कोई कमेंट नहीं मिलती है, तो ऑनलाइन लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग मिलते जुलते तो हैं नहीं आजकल, फिर भी लड़ाई जारी है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है फ्रेंड्स के बीच, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं किया लाइक, तो उसके लिए भी फ़ोन आते हैं कि लाइक क्यों नहीं किया। तो ये है कि जहने कोनो लाइक नहीं भेटल दोस्त यार में मारि बजैत अछि, चाट एकर छोड़बऽ चाहै छी, मतलब हम चाहते हैं कि इसकी आदत छूट जाए, इतना यूज़ ना करें, तो चाट एकर छोड़बऽ चाहै छी, किछु दिन दूर रहऽ चाहै छी, कुछ दिन दूर रहना चाहते हैं, पर जब इंटरनेट आ जाता है तो इस विचार को हम साइड धरते हैं, साइड करके, और फिर बहुत देरी किया अब आप लोगों को, चलिए अब फेसबुक खोलते हैं, अपनी ये कविता सुनाती हूँ, और लाइक कमेंट का बात, मतलब लाइक कमेंट के लिए हम इंतज़ार में हैं। धन्यवाद अभी जो जितने मित्र जुड़े हुए हैं, और देवेंद्र जी एक बार फिर से आप को बहुत बहुत थैंक्स, जन सरोकार मंच बहुत आभार।
और अब मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू, जो बाद में भी देखेंगे उनको भी धन्यवाद। फिनिश, टेक केयर, बाय।